कदीम जमाने में कश्मीर नागाओं से भरी एक झील थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। यहाँ तरह तरह के कबीले रहते थे। दास्ताने हिमाल नागराज उसी जमाने की कहानी है। शानू कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना बताए कहीं गई है। हो सकता है बच्चों के स्कूल तक गई हो। बच्चे तो घर पर हैं। तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, वो नूतन को इस घर में लाने की बात से जरा परेशान थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे कहाँ जा सकती है। उसके घर फोन करके देखो, वहाँ तो नहीं गई। और अगर वो वहाँ नहीं हुई तो कैसा लगेगा उन लोगों को? अरे ऐसी नहीं, घुमा फिरा के तो पूछा जा सकता है। अच्छा ठीक है, पर ये चली कहाँ गई? वैसे कोई कम टेंशन है जो ये एक और मुसीबत सिर पे आ गई है? तुम भी तो बदल गए हो। मैं बदल गया हूँ, बल्कि यूं कहिए चची कि मुझे अक्ल आ गई है। पहले गुमराह था मैं। हेलो जी, आदाब। जी हाँ, मैं यहाँ बस आना ही चाहते थे, इसीलिए मैंने फोन किया था। और फिर शानू भी कह रही थी आपके आने की। जी हाँ जी हाँ। नहीं नहीं, मैं खुद ही छोड़ जाऊंगा। बस यूं समझिए कि अगले दो तीन दिनों में। जी हाँ, प्रोग्राम बनते ही मैं आपको इत्तला कर दूंगा। जी जी हाँ हाँ हाँ, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। जी शुक्रिया। आता वहां भी नहीं है। बच्चों से पूछा आपने? हाँ हाँ, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ पता कर नहीं गई। आप? मैं दरवाजा खुला देखा अपने घर का, तो अंदर चली आई मैं। दरअसल हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पास ही में, तो मैंने बाबा से ये कमरा किराए पर ले लिया है। मैं बस कभी कभी आता हूँ यहाँ। अरे अंदर कोई है क्या? नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई नहीं है। मुझे लगा कोई आहट हुई है। आपको ऐसे ही लगा होगा। आप बैठिए ना भाभी। आप ये सामान, ये साड़ी नूतन की है। ओह, तो यहां छुपा रखा है उस बगली को। पर वो है कहां? आप आइए, उसकी तबीयत खराब है। आइए आप। ये दवाइयां किसकी है?
वो बीमार है, उसे सहारे की जरूरत है, इलाज की। तो अस्पताल ले जाइए, हमारे घर क्यों डाल रहे हैं आप? मैं नहीं, बाबा। यही तो मुश्किल है, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। देखिए आप चलिए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। लेकिन आप आई कैसे हैं? बेबसी में आदमी क्या नहीं करता, एक बार से मेरा झगड़ा हो गया है, वो मेरी कुछ नहीं सुनते, उस घर में मेरी कोई कुछ नहीं मानता। मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन वहां जाके भी क्या फायदा, वापस यही आना पड़ेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मेरा मन इतना परेशान है। आपका मन परेशान है? आपका इतना बड़ा खानदान है, शौहर, बच्चे, अम्मी, अब्बू, भाई बहन सब हैं, लेकिन कभी आपने नूतन के बारे में सोचा है? कितनी बेसहारा है वो, सिर्फ उसका पागलपन देखा है, लेकिन कभी उसकी मजबूरी के बारे में सोचा है? शौहर लापता है, पिता गुजर गए हैं, घर वालों ने पागल करार दिया है, अपने शौहर को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही है वो। प्रॉपर्टी का ऐसा भी क्या लगा, छोड़ दें ये सब कुछ, ये भी कोई बात हुई? मियां बीवी दौलत के लिए जान दांव पे लगाए बैठे। रमेश ने अपने पिताजी को वादा किया था कि वो उनकी प्रॉपर्टी को बिगड़ने नहीं देगा, बिकने नहीं देगा। उनके घर वाले यानी कि उनकी सौतेली माँ सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहते हैं, इसी कारण उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। पर वो यहाँ क्यों आई है? रमेश को ढूंढने। रमेश कहाँ है? रमेश कहाँ है, यही तो सवाल है। तुम जी? मैं क्यों आई हो जी? वो फोटो मुझे वापस कर दीजिए, मेरी अमानत है। लेके ही क्यों आई थी? आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था इसलिए। कहाँ रहती हो? शोपियां। शोपियां, जिसे कभी शोपजान कहते थे, हिमाल का गांव। मेरा एक काम कर दो जी, मुझे रमेश से मिला दो एक बार जी। आप नहीं जानती वो कहाँ छुपे हैं? बस तुम ही जानती हो, बस एक बार मुझे मिला दो उनसे, बस एक बार। क्या कोई गिले शिकवे? नहीं, गिले शिकवे नहीं, बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर मैं चली जाऊंगी यहां से। कहाँ चली जाओगी? हेलो जी। जी हाँ मैडम, आप नजीर मंजिल के मालिक से मिलना चाहती थी? जी हाँ, मिलना तो चाहती थी ना। वो लौट आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। शुक्रिया। गुलफरोज कहाँ चली गई?
सुना आपने? हिमाल का मृत शरीर गायब हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? हिमाल पृथ्वी की राजकुमारी थी, पाताल में उसका वध हो गया। कहीं पृथ्वीवासी नागराज से बदला ना ले। हिमाल के वियोग में नागराज तो वैसे ही अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। अब न जाने उनका क्या हाल होगा। आप गुरुदेव को साथ ले जाइए, उन्हें उपचार की आवश्यकता है। अब नहीं चलोगे मेरे साथ? नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब उन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, ये आभास हो गया है मुझे। आवश्यकता ना सही, पर वो हमारे महाराज हैं और इस समय पीड़ित हैं। उनकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। हमारा धर्म और उनका धर्म? हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना, हमारा अपमान? इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? अब तो हिमाल भी नहीं है। महाराज का हमारे साथ और कौन है? हिमाल नहीं है तो हम हैं? ये मुझे स्वीकार नहीं है। मेरा अपना अस्तित्व है, मेरा अपना स्थान है। मैं किसी की पूर्ति के लिए नहीं हूं। तो क्या महाराज से नाता तोड़ लोगी? यदि है तो धीरे धीरे उसे समाप्त कर दूंगी। कर पाओगी? ये अपने आप को भुलावा देने की कोशिश कर रही हो। पता नहीं हिमाल कहां खो गई। मैं चारों तरफ उसको ढूंढ आया हूं, पर किसी को उसका आता पता मालूम नहीं है। जी नहीं, अगर कहीं किसी को पता चलता तो मुझे अवश्य खबर मिलती। मेरे सिपाही चारों तरफ उसे ढूंढ रहे हैं, किसी ने उसे देखा नहीं, किसी ने उसके बारे में सुना नहीं। मैंने अपने कुछ गुप्तचरों को इस काम के लिए भेज दिया है। आप निराश ना हो महाराज, जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। पर उसे ले कौन गया? अप्सरा सी लगती है। मैंने आज तक ऐसा रूप नहीं देखा। अरे वो देखो, रूप के पुजारी भालू को कैसे पास आके बैठा है। जी भर के देख लो इस रूपमती को। आज आज के बाद इनका ये कक्ष सबके लिए बंद रहेगा। आज के बाद यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इनका इलाज चलेगा यहाँ। यहाँ केवल मैं और नतीश आया जाया करेगा। इतना रूप अब समझा, स्वर्ग की अप्सराएं किसे कहते होंगे। गुरुदेव, क्या मैं नतीश का हाथ पटा सकता हूँ? नहीं, ये तुम्हारी विद्या से बहुत परे है, तुम इनका कार्य नहीं कर सकोगे।
अरे ये तो बर्फीली है, इतना ठंडा पैर। ये मरी हुई है। मृत शरीर, ये नहीं तो प्रेत आत्मा। क्या हुआ भालू, तुम तो अभी रतीश के साथ कार्य करने वाले थे। नहीं नहीं क्यों गए? इस बेचारी को तो सर्पों ने बुरी तरह से डस रखा है। यदि एक वर्ष में हमारी औषधि इसे ठीक कर पाए तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। नहीं गुरुदेव नहीं, एक वर्ष तो बहुत लंबी अवधि होती है। मैं तो रात दिन एक करके इन्हें उससे बहुत पहले स्वस्थ देखना चाहता हूं। इस भोली बाली को आंखें खोलते हुए हम सब देखना चाहेंगे, पर ऐसा क्या हुआ होगा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो इतनी बुरी तरह से डसा, कौन है ये, कहां से आई है? ये कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, परंतु अब ये हमारे आश्रम में है। हमारे आश्रम में है बाबा। नव जीवन यदि दे सको तो ये हमारी ही होकर रहेगी। निराश हो गए डॉक्टर? नहीं बाबा, आज कितने मास हो गए, आपने और मैंने रात दिन एक कर दिए, परंतु तो चेतना के दूर दूर तक आशा दिखाई नहीं देती। पुत्र, ऐसे कार्यों में बहुत धीरज रखना पड़ता है। धैर्य की मुझमें कमी नहीं है बाबा, और ना ही कमी है शक्ति और क्षमता की। निराश हो जाना स्वाभाविक है। पर बाबा, जिस दिन से मैं उसे देख रहा हूं मुझे वो अपनी ही प्रतीत होती है, और आपको तो पता है मैं उसकी चेतना लाने के लिए कितना उत्सुक हूं। एक एक पल मुझे एक एक युग के समान प्रतीत होता है। बस इसीलिए कभी कभी निराश हो जाता हूं।
शिकारी में कभी कभी जान लगानी पड़ती है। किसी में प्राण फूंकना इतना आसान नहीं, कभी कभी तो अपने प्राणों की बलि देनी पड़ती है। मैं वो भी करने को तैयार हूँ बाबा। मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर सकता हूँ, यहाँ तक कि प्राण भी। बस एक बार वो अपनी आंखें खोल दे। कितना प्रेम हो गया है तुम्हें इस मृत शरीर से। कौन है ये, कहां से आई है? चेतना आने पर ये तुम्हें स्वीकार करेगी नहीं क्या? नहीं बाबा, बाबा बस एक बार चेतना आ जाए तो मैं उसे अपनी शक्ति से, अपनी सेवा से तुरंत ठीक कर दूंगा। मैं उसके लिए फूलों की शाख पर एक डोला डालूं, उसे रोज झुलाऊं, फूलों की पंखुड़ियों से उसके पांव धुलवाऊंगा। कांटों से कटे पड़े हैं पांव उसके, परिश्रम से उसका शरीर झुलस गया है। अनमोल जड़ी बूटियों से मैं उसे फिर से हंसता हुआ, फूलों की तरह हंसता हुआ कर दूंगा। बस एक बार वो अपनी आंखें खोल दे बाबा, बस एक बार। यदि इतनी लगन हो तो प्रभु को भी झुकना पड़ता है। भैया, तुमने मेरी हिमाल को देखा है क्या? हिमाल? कौन हिमाल? मेरी पत्नी हिमाल। इतनी रूपमती कि पूरे पृथ्वी की घटा रचा दी। मूर्छित। मूर्छित या मरी हुई? नहीं भैया, नहीं, उसे मरा हुआ मत कहो। सुना है उस नदी के पार एक महर्षि का आश्रम है, वहाँ वो सांप नागों से डसे एक मरी हुई कन्या का उपाय कर रहे हैं। जाओ जल्दी से जाओ, वो नई वाली औषधि ले आओ। जाओ नागराज। कौन?